नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, और इस महाकुंभ में हम आपको लगातार विभिन्न प्रकार के साधु संत महात्माओं की श्रृंखलाओं में संवाद दिखा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे सन्यासी हैं जो कुछ बोलते नहीं हैं, जिनका नाम है मौनी बाबा। मौन रहते हैं और कितने वर्ष से मौन रहते हैं ये हम आप को उनके सामने ही पूछेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है। तो बाबा मौन रहते हैं और ये बाबा की एक तख्ती है, मॉडर्न तख्ती, लिखते हैं और फिर इसको ऐसे करके रब कर देते हैं और इसी पे लिख करके अपने भक्तों को भी और अपने गुरु भाइयों को भी समझाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। महाराज, कितने साल से मौन हैं आप? बाबा जी ने लिखा है कि 10 साल से मौन हूँ। 10 साल से बाबा मौन है, और कितने वर्ष तक मौन रहने वाले हैं? अन्न भी खाता नहीं। ये देखिए, ये बाबा इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ही कोई इनसे सवाल करता है या इनसे कोई भी कुछ चीज़ पूछता है तो बाबा इस स्लेट पे लिख करके, और फिर बाबा कैसे मिटोते हैं इसको, ये मिट गया। तो बाबा अन्न भी नहीं खाते। अन्न कितने साल से नहीं खाया? अच्छा, 10 साल से अन्न नहीं खा रहे हैं और 10 साल से मौन है। ठीक है, जैसे अभी कुंभ में आए हुए हैं तो रहते कहाँ पर हैं, कोई स्थान विशेष? भागीरथी, भागीरथी में, भागीरथी नदी के पास, भागीरथी गुफा, ये कहाँ पे हुई? कासगंज, सौरा, सौरो कासगंज में बाबा की गुफा है, भागीरथी गुफा के नाम से। महाराज, इस जो मौन आपने रखा है, 10 साल से मौन है, और आगे कितने साल तक मौन रहने वाले हैं? चौदह साल टोटल, यानी अभी 4 साल और रहेंगे, या और 14 साल, 24 साल टोटल, टोटल 24 साल मौन रहेंगे। जो टोटल 24 साल मौन रहेंगे, 10 साल पूरे हो चुके हैं, 14 साल अभी और मौन रहना है। बाबा, मौन रहने का क्या उद्देश्य है आपका? अच्छा, यानी किसी से गलत भाषा में व्यवहार ना करें। जैसे होता अमूमन ये है कि हम जब बातें करते हैं या कुछ बोलते हैं तो अपशब्द निकल जाते हैं या कुछ गलत चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं, तो बाबा की ये साधना है कि साधना के साथ साथ मुंह से किसी के भी लिए गलत वाणी ना निकले, घमंड नहीं करना, ये इनका जो है मूल उद्देश्य है। घमंड ना हो, कुछ बोलेंगे तो गलत वाणी का प्रयोग होगा वो ना हो, मन को शांत रखना, ये बाबा का उद्देश्य है। भजन करते रहना, भजन करना ये तीसरा उद्देश्य है। घमंड ना करना, गलत ना करना, चुगली ना करना, भजन करने में शांति बनाए रखना। महाराज, जब तक प्रभु इच्छा है तब तक सब चल रहा है, ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कुंभ में आए हुए हैं आप, आकर्षण का केंद्र भी हैं, क्योंकि इस तरीके के मौनी बाबा कम हैं यहाँ पर। आपको देख करके जाहिर है कि लोग आकृष्ट ज़्यादा होंगे साधना से आपकी। कुंभ की व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? मेरे पास तो चमक तक नहीं। चमक मतलब नमक? अच्छा, नमक, नमक, नमक तक नहीं है, नमक भी तक नहीं है, इन्होंने दिया नहीं मतलब किसी ने।
तो वैसे भी आप तो फलाहारी मतलब भोजन अच्छा भक्तों के लिए कम से कम थोड़ी बहुत व्यवस्था तो रखते ही हैं आने जाने वालों के लिए इन लोगों के लिए। हवन की लकड़ी तक नहीं दी। बाबा बड़े आक्रामक लहजे में लिख करके बता रहे हैं कि इन लोगों ने हवन की लकड़ी तक नहीं दी, नमक तक नहीं दिया। नमक खैर खुद तो नहीं खाते क्योंकि खुद तो अन्न त्याग रखा है, लेकिन और लोगों को तो कम से कम नमक खिलाना ही पड़ेगा, तो उनके लिए नमक नहीं दिया। और क्या क्या चाय की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी चाय की भी कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा महाराज, आप अन्न नहीं खाते तो क्या क्या खाते हैं आप भोजन में, क्या क्या लेते हैं? 24 घंटा तक क्या 24 घंटा एक एक बार खाते हैं। 24 घंटे में एक बार आलू खाते हैं एक ही बार? किस समय, रात में या सुबह सुबह खा लेते हैं? रात को। चाय वाय कुछ नहीं, चाय पानी ले लेते हैं, लेकिन खाएंगे सिर्फ आलू ही रात को। तो व्यवस्था नहीं है, इसके बारे में किसी नेता विशेष को या किसी व्यक्ति विशेष को दोषी मान रहे हैं? किसको? सबकी गलती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है भारत में और उनको हिंदुत्व का रक्षक भी कहा जाता है, उन्हीं की कॉरेस्पॉन्डेंस राज्य में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, फिर भी ये गलती है अगर आपको लग रहा है? फिर सब गलत है, सबने बेड़ा गर्क करा है। बाबा कह लिख करके बता रहे हैं कि सारे गलत हैं और सबने इसका बेड़ा गर्क किया है, धर्म के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। बाबा नरेंद्र मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के प्रधानमंत्री हैं? जब मेला में नमक नहीं है तो फिर क्या कहेंगे? बाबा कह रहे हैं जब नमक तक नहीं दिया तो हम क्या कहें, कुछ कहने लायक हमें छोड़ा ही नहीं, बाबा ने नमक तक नहीं दिया। तो इस तरीके की बात बाबा कह रहे हैं और बहुत निराश है। हरिद्वार के इस महामेले में, महाकुंभ में संत सरकार से भी, शासन से भी, प्रशासन से भी और नेताओं से भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नमक ही नहीं है, धूना ये 24 घंटे जलता है, इसके लिए लकड़ी नहीं है। तो इस तरीके से बाबा परेशान हैं और साधक तपस्वी संत हैं, 10 साल से बोले नहीं हैं, 10 साल से अन्न नहीं खाए, 24 घंटे में सिर्फ एक बार खाते हैं, वो भी रात के समय में आलू। तो आप इसी प्रकार से देखते रहिए, यही साधु संतों की श्रृंखलाओं में हम आपको ये संवाद आगे भी भविष्य में दिखाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और किसी भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोदी जी सोचे नहीं, मोदी जी ने कुछ नहीं सोचा। बाबा कह रहे हैं कि कुंभ के बारे में मोदी को सोचना चाहिए था, मेले के बारे में कुछ सोचना चाहिए था। और बाबा जी, योगी जी अच्छे हैं, योगी जी ने भी नहीं किया, पर योगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ना, उत्तराखंड के योगी नहीं हैं, उत्तराखंड के योगी मुख्यमंत्री नहीं हैं, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर तीरथ सिंह रावत है, तीरथ सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, उसने भी नहीं दिया कुछ नहीं। आज हाँ, तो बाबा ने कह दिया है कि मोदी जी को सोचना चाहिए था, नहीं सोचा, योगी जी ने नहीं सोचा, बाबा को लगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री भी योगी होंगे, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री योगी नहीं है, योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो बने रहिए, देखते रहिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए साधु किसी नए महात्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।